Hey, what's up guys, it's me, Xrock Gamer. So guys, welcome back to another video of Free Fire. So guys, कल ही ना हमारे गेम में सीजन कोई नया सीजन आया, सीजन का नंबर मेरे को याद नहीं है। और हाँ, हम सब का ना फिर रैंक रीकैप भी आया, मतलब कि हमारी रैंक डाउन चली जाती है, जैसे प्लेटिनम वन पे, गोल्ड वन पे ऐसे आ जाती है। बट यार मेरी रैंक नहीं आई इतने पे, देखो मेरी रैंक अभी तक डायमंड वन पे ही है। और हाँ, अब कैसे है, मैं ना तब गेम खेल रहा था, मतलब कि जब रिकैप आया ना तब मैं गेम में था, और मेरी ना फिर रैंक इसी पे रहेगी, वरना मेरी रैंक प्लेटिनम वन पे आ जाती। और हाँ, सो अब आप सबकी भी आई होगी, देखो मेरे सारे फ्रेंड्स की रैंक डाउन हो गई है, सिवाय एक बंदे को छोड़ के, किलर आई को छोड़ के सबकी रैंक कम हो गई है। और हाँ, सो आप सबको मन में आ रहा होगा कि यार अब अपनी रैंक कैसे पुश करें। सो उसके लिए ना यार देखो, कैंपिंग ज़रूरी होती है, और रैंक पुशिंग करने के लिए कैंपिंग ज़रूरी होती है, किल्स ज़रूरी होता है, सर्वाइविंग टाइम ज़रूरी होता है। सर्वाइविंग टाइम कैसे बनेगा, हमारी कैंपिंग से। सो आपके लिए कुछ ऐसी प्लेसेस लाया हूँ मैं, जिसमें आप कैंपिंग करके बहुत अच्छे से अपनी रैंक पुश कर सकते हो, और आपको कोई बंदा इतनी आसानी से देखेगा भी नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यार, जो हमारी पहली कैंपिंग प्लेस है ना, वो है हमारे बरमूडा में, और वो बरमूडा रिमास्टर्ड में भी हो सकती है, बरमूडा में भी हो सकती है। तो आपको सामने जो पाइप दिख रहे हैं ना, वो गटर के या किसके बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसमें हम कैंपिंग करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आप सब सोच रहे होगे, उसके बीच में घुस जाएंगे, बट नहीं भाई, उस होल में नहीं घुसेंगे हम, अभी देखो कैसे करेंगे। तो गाइस यार, सिंपली आपको इसके एकदम एंड पे आ जाना है, और एंड पे आने के बाद आपको ऐसे ऊपर चढ़ना है, और आप ये अपनी जगह पे आ गए। और अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा छेड़खानी करी ना, तो आपका भी हाल मेरी तरह होने वाला है, बस यहाँ पे आके ऐसे बैठ जाना, वरना आप सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने सोचा यार ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे लेटने का ट्राई करते हैं, बट यार वैसे नहीं हो रहा था। सो आप अगर कोई एनिमी मारे तो आप ग्लू वॉल लगा सकते हो, बट अगर आपने ज़्यादा छेड़खानी करी तो आप ऐसे फंस जाओगे, और मेरी तरह आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो गाइज लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्लेस। सो गाइज नेक्स्ट प्लेस होने वाली है हमारी क्लॉक टावर के पास वाले ब्रिज पे। आप यहाँ पे नीचे आए, उसके ब्रिज के नीचे आके बैठ सकते हो, और बंदा आपको तब तक नहीं मार पाएगा जब तक वो नीचे नहीं आ जाता, वरना अगर वो आ गया फिर तो आपको टाटा बाय बाय कहना पड़ जाएगा गेम को। सो गाइज यार, नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है ना, वो होने वाली है परगेटरी में, क्योंकि यार जब हम रैंक गेम खेलते हैं ना, तब हमको पता नहीं होता कौन से गेम, कौन से मैप में हम कब चले जाएंगे। सो परगेटरी में आपको आना है क्वारी और एम्प्टी विला के बीच वाले, जो हमारा एक तरह से सबवे कह सकते हैं इसको, या कुछ भी कह सकते हैं यार, आपको यहाँ पे आ जाना है। और आपको माउंटेन पे चढ़ने के बाद ना, यहाँ पे आपको दो होल्स दिखेंगे, सो आप उसमें जाके ना आराम से छुप सकते हो, और बंदे को ना यार आपकी भनक तक नहीं होगी, इतनी बढ़िया जगह है ये। और हाँ, तो यही है ये बढ़िया सी प्लेस, आप यहाँ पे भी आके बहुत देर तक कैंपिंग कर सकते हो, बहुत देर तक, कब तक, जब तक जोन ना आ जाए। सो गाइज यार, अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो कि ये प्लेस है कहाँ पे, जहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, तो ये है क्वारी, एम्प्टी विला और गोल्फ कोर्स के बीच में। सो गाइज यार, हमारी फोर्थ प्लेस पड़ेगी सेंटोसा के पास, और आपको इन पिलर्स के नीचे आ जाना है। पिलर के नीचे आने के बाद आपको अंदर जाना है, और मैं आपको ना यार 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई बंदा इतनी आसानी से नहीं देख पाएगा। सो चलो गाइज यार, फिर आप ऐसे कैंपिंग करके अपनी रैंक पुश कर सकते हो। सो चलो गाइज यार, फिर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय गाइज़।